हेलो फ्रेंड्स, वेरी वॉम वेलकम टू चिकीज़ बायोलॉजी अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट करियर ऑप्शंस आफ्टर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग जो है बात करेंगे अपने इस टॉपिक पे। आप लोग मेरे साथ में इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की, बहुत सारे फॉलोवर्स की, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोगों को ये बताइए कि आफ्टर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हम लोग जो हैं कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं और हम लोगों को कितनी सैलरी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे जो है हम लोग बात करेंगे। तो आप लोगों को मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कहाँ कहाँ पे जॉब मिल सकती है और कौन कौन सी जॉब पोजीशन पे आप लोग जो है जॉब पा सकते हैं। तो बात करेंगे, आप लोग जो है बैक्टीरियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग जो है वायरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग जो है माइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग जो है पैरासाइटोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप लोग इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग बन सकते हैं। तो इन सभी डोमेन में जाके आप लोग जॉब कर सकते हैं या इन सभी पोजीशन पे आप लोग जो है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप लोगों के लिए आफ्टर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो हैं रिसर्चर का काम कर सकते हैं, एज अ रिसर्चर आप लोग अपना काम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को एज अ रिसर्चर काम करना है तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी जो है कोर्स है ये आप लोगों का सफिशियंट कोर्स माना जाता है। आप लोग एलिजिबल हैं एज अ रिसर्चर वर्क करने के लिए। बहुत सारी R&D होती हैं, आप लोग R&D में जॉब कर सकते हैं एज अ रिसर्चर। आप लोग जो हैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप लोग जो हैं काम कर सकते हैं, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप लोग काम कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। आप लोग जो हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग जो हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग जो हैं काम कर सकते हैं। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के डोमेन में जाके, जैसे कि मेडिसिन में, हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट चेंज में एंड फूड सेफ्टी में। और आप लोग जो हैं डायग्नोस्टिक्स में भी आप लोग जा सकते हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आप लोग जो है बायोसेफ्टी में आप लोग काम कर सकते हैं। आप लोग जो है क्वालिटी कंट्रोल माइक्रोबायोलॉजिस्ट एज अ काम कर सकते हैं बहुत सारी फार्मा कंपनी में, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। और आप लोग जो हैं साइंटिफिक राइटर भी बन सकते हैं, आप लोग जो हैं पेटेंट लॉयर भी बन सकते हैं, आप लोग जो हैं साइंस एंड साइंस एजुकेशन और आउटरीच प्रोफेशनल्स की तरह भी काम कर सकते हैं। आप लोग जो हैं फॉरेन कंट्री में भी जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे आप लोगों को सैलरी कम मिलेगी। बट अगर आप लोग जो हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट डेवलप कंट्री में जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी सैलरी मिल जाएगी। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अब्रॉड में अगर आप लोग जाते हैं PhD के लिए आफ्टर MSc माइक्रोबायोलॉजी, तो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा स्कोप होगा। अगर आप लोग बाहर से माइक्रोबायोलॉजी में PhD करके आते हैं, फॉरेन कंट्री से आप लोग जो हैं इंडिया में फिर दोबारा PhD करके आते हैं। अब कुछ एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ के बारे में बात करूँगा और जो टॉप कंपनीज़ हैं उन एम्प्लॉयमेंट एरिया की उनके बारे में बात करेंगे। तो बहुत जहाँ पे आप लोग जो हैं आफ्टर MSc माइक्रोबायोलॉजी जा सकते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट एरिया जो हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो है आप लोगों के लिए टॉप कंपनीज़ कौन कौन सी हैं आफ्टर कंप्लीट योर MSc माइक्रोबायोलॉजी। तो आप लोग डॉक्टर रेड्डी में जा सकते हैं, सन फार्मा में जा सकते हैं, नोवो नॉर्डिस्क में आप लोग जा सकते हैं, लुपिन में जा सकते हैं, पेनेशिया बायोटेक में जा सकते हैं, पैरेक्सल में जा सकते हैं, GSK में जा सकते हैं, आप लोग जॉनसन एंड जॉनसन में जा सकते हैं, सैनोफी में जा सकते हैं, एस्ट्राजेनका में आप लोग जा सकते हैं। तो आफ्टर MSc माइक्रोबायोलॉजी आप लोग जो हैं इन सभी टॉप कंपनीज़ में जा सकते हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के डोमेन में आती हैं। एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप लोग यहाँ पे आफ्टर कंप्लीट योर MSc माइक्रोबायोलॉजी आप लोग काम कर सकते हैं। अब बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ की। जो बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं इनको हम लोग बायोफार्मा कंपनी भी बोलते हैं। फार्मा कंपनी अलग होती है, बायोफार्मा कंपनी अलग होती है। तो बायोफार्मा कंपनी जो हैं इनमें आप लोगों की बायोकॉन आती है, नोवोजाइम्स आती हैं। तो आप लोग बायोफार्मा कंपनी में भी जा सकते हैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, और फार्मा कंपनी में तो आप लोग जा ही सकते हैं। अब बात करेंगे
कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में आप लोग जा सकते हैं, लाइक जैसे कि सिंजिन, आइकन, पीपीडी और आपका क्लीन टेक, आप लोगों का मैड पेस, ठीक है, इनमें आप लोग जा सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग जा सकते हैं, लाइक जैसे कि ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, एज आ आप लोग जो है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोग जा सकते हैं, या आप लोग जो है वहाँ पे एज आ एजुकेटर जो है जा सकते हैं, एज आ लेक्चरर आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। और बहुत सारी और भी लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे कि सेमी लैब्स है, सिग्मा लैब्स हैं, बायो केयर रिसर्च है, SRL डायग्नोस्टिक्स है, यहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। अब बात करेंगे, ये लैब्स हैं जहाँ पे आप लोग आफ्टर कंप्लीट योर MSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स जा सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं, आप लोग ग्लोबल हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, आप लोग वोकार्ड हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर MSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स। आप लोग जो है लीलावती हॉस्पिटल में जा सकते हैं, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, जैसे कि CSIR की लैब्स हैं, ठीक है, जैसे कि CSIR की लैब है, CSMCRI, CSIR IGIB, CSIR CDRI, CSIR CFTRI, CSIR CMAP, ICMR ICMR, PMRC, ICMR NIV, ICMR NIRRH, ICMR NARI, ICAR IVRI, ICAR IARI, NBPGR, तो इन सभी लैब में आप लोग जा सकते हैं। PGIMR में भी जा सकते हैं, ICER में भी जा सकते हैं आप लोग, और आप लोग जो हैं IITs में भी जा सकते हैं और NITs में भी जा सकते हैं। तो इन सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोग जा सकते हैं। इन सभी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की जो लैब्स होती हैं वहाँ पे आप लोग जाके एज आ माइक्रोबायोलॉजिस्ट वर्क कर सकते हैं। कुछ इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, जैसे कि तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, आप लोगों का चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो इसमें आप लोग जा सकते हैं। आप लोग जो है फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लाइक जैसे कि अमूल में जा सकते हैं, कैफ़े कॉफ़ी डे में जा सकते हैं, और आप लोग जो है सुगुना फूड्स में जा सकते हैं, आप लोग जो है हेरिटेज फूड में जा सकते हैं, आप लोग जो है अमूल में मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग जो हैं अदर भी बहुत सारी फूड इंडस्ट्री में जा सकते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री में आप लोग जा सकते हैं, जैसे कि कोको कोला में, टाटा टी में, पेप्सिको में, साउथ सीज डिस्टिलरीज में आप लोग जा सकते हैं, ब्रिवरीज में जा सकते हैं, बहुत सारी जगह पर आप लोग जा सकते हैं। और केमिकल इंडस्ट्रीज़ में आप लोग जो हैं PD Light इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जा सकते हैं, टाटा केमिकल्स लिमिटेड में जा सकते हैं, आप लोग जो है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जा सकते हैं, इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड में आप लोग जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जैसे कि नेशनल एग्रो इंडस्ट्री में जा सकते हैं, PI इंडस्ट्री में जा सकते हैं, केमिन इंडस्ट्रीज़ में आप लोग जा सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पे जो है इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, या कुछ आप लोगों के लिए जॉब लोकेशंस हैं जहाँ पे जाके आप लोग अपनी जॉब कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीट योर MSc माइक्रोबायोलॉजी कोर्स। तो अगर आप लोग एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहीं पे जाते हैं तो आप लोगों को जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों को जो है स्टार्टिंग में जो है आप लोगों को 20,000 to 30,000 के बीच में आप लोगों को मिलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे अगर आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को 40,000 के अप्रोक्स जो है पर मंथ की सैलरी मिल सकती है। साइंटिफिक राइटर का काम अगर आप लोग करते हैं तो 32,000 पर मंथ आप लोगों को मिलेगी सैलरी। स्टार्टिंग में थोड़ी कम सैलरी आप लोगों को मिलती है एज अ फ्रेशर कैंडिडेट, बट बाद में आप लोगों की सैलरी वहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। असिस्टेंट मैनेजर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को 65,000 पर मंथ वहाँ पर मिलता है, बट स्टार्टिंग में आप लोगों को कम सैलरी मिलती है। आप लोगों की जो स्टार्टिंग होती है फार्मा इंडस्ट्री में वो 15,000 के अप्रोक्स होती है जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल में एज अ QC माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और मेडिकल कोडर का अगर आप लोग काम करते हैं तो स्टार्टिंग आप लोगों की 27,000 पर मंथ होगी। क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर अगर आप लोग इंस्पेक्टर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोगों को जो है 21,000 वहाँ पे
मिलेगा स्टार्टिंग में। अगर आप लोग कॉपी एडिटर बनते हैं तो आप लोगों को 32,000 मिलेगा, और अगर आप लोग क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बनते हैं तो आप लोगों को 30,000 पर मंथ वहाँ पे मिलेगा। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एज अ फ्रेशर कैंडिडेट स्टार्टिंग में थोड़ी कम सैलरी मिलती है एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बट जब आप लोगों को एक्सपीरियंस होता जाता है तो आप लोगों को सैलरी वहाँ पे फिर बढ़ के मिलने लगती है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं मेरे चिकीज़ बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज़ बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, और आप लोग मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी अकाउंट्स की जो लिंक्स हैं मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फ्यूचर में भी मैं आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस अवेलेबल कराता रहूं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप लोगों को जाएगा वो तभी जाएगा अगर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट।